खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत। चिदंबरम की गिरफ्तारी की सबसे तेज, सबसे विश्वसनीय और सबसे सटीक कवरेज आप लगातार देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। अगले आधे घंटे हम तीन एंकर्स यही तमाम तथ्य आपके रखेंगे सामने। किस तरह से गिरफ्तारी हुई वो तो आपने देखा और आपको आगे बताएंगे कि कितनी मशक्कत सीबीआई को करनी पड़ी, लेकिन अब आगे क्या होगा, एक एक जानकारी आप तक लगातार पहुंचाएंगे एबीपी न्यूज पर। नमस्ते भारत, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि एक वक्त था जब देश में पी चिदंबरम की तूती बोलती थी। गिरफ्तार हुए देश के पूर्व वित्त और गृह मंत्री चिदंबरम। आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम की गिरफ्तारी। 31 घंटे फरार रहने के बाद चिदंबरम गिरफ्तार। गिरफ्तारी से पहले कांग्रेस दफ्तर पहुंचे चिदंबरम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिदंबरम ने 5 मिनट 45 सेकंड की दी सफाई। गिरफ्तारी से पहले दिल्ली के घर में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। जोरबाग के घर में दीवार फांदकर कर पहुंची सीबीआई की टीम। घर में ही सीबीआई ने की चिदंबरम से पूछताछ। घर में करीब 1.5 घंटे के ड्रामे के बाद गिरफ्तार हुए चिदंबरम। चिदंबरम की हर खबर सबसे पहले सिर्फ एबीपी न्यूज पर। तो जैसा कि प्रतिमा ने शुरुआत में ही आपको बताया कि एक वक्त था कि चिदंबरम की तूती बोलती थी सरकार में। वो दौर था यूपीए 1 का, वो दौर था यूपीए 2 का, जब सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक थे चिदंबरम। अर्थव्यवस्था की बात हो तो चिदंबरम की राय सबसे अहम होती थी। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो तो भरोसा चिदंबरम की सुरक्षा कवच पर होता था। लेकिन वक्त बदल गया। वित्त मंत्री रहते हुए एक फाइल पर साइन करना चिदंबरम को इतना महंगा पड़ गया, इतना भारी पड़ गया कि चिदंबरम उसी सीबीआई के हाथों गिरफ्तार हो गए जिसके वो कभी बॉस होते थे। 31 घंटे की गिरफ्तारी से बचने के लिए चिदंबरम ने क्या नहीं किया, लेकिन आखिरकार हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद चिदंबरम अंदर हो गए। करीब 27 घंटे से गायब रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता पी चिदंबरम आखिरकार बुधवार रात देश के सामने आए। और गिरफ्तार भी हो गए, लेकिन इस बीच सियासत के इस बड़े खिलाड़ी के चलते करीब 2 घंटे का अजीबोगरीब खेल भी चला, जिसे टीवी पर पूरे देश ने देखा। पूरे देश ने वित्त मंत्री, गृह मंत्री रह चुके एक बड़े नेता को कैमरे पर लाइव गिरफ्तार होते देखा। अब आप करीब 2 घंटे तक टेलीविजन पर चले इस पूरे नाटक का सिलसिला देखिए। बुधवार रात 8:10 पर कांग्रेस के ऑफिस में हलचल तेज हो जाती है। कांग्रेस के वो तमाम बड़े नेता जो सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील भी हैं, वो सब के सब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जुटते हैं। और फिर अचानक सबके बीच वो आ गए, 27 घंटे से जिनका इंतजार था, पी चिदंबरम अपने वकील साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं। 8:13 पर कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और फिर रात 8:15 चिदंबरम ने 5:45 तक एक लिखित बयान पढ़ा। आई वॉज वर्किंग अलॉन्गसाइड माई लॉयर्स द होल ऑफ लास्ट नाइट, टूडे थ्रू आउट द डे आई वॉज विद माई लॉयर्स फॉलोइंग द प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट। आई वॉज अगस्ट दैट आई वॉज अक्यूज्ड ऑफ हाइडिंग फ्रॉम द लॉ। On the contrary, I was seeking the protection of the law. Thank you very much. रात 8:21 पर चिदंबरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म किया। मीडिया के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और चलते बने। रात 8:25 पर चिदंबरम अपने घर के लिए निकले।
चिदंबरम जोरबाग के अपने घर पहुंचे। इस बीच सीबीआई को खबर मिल चुकी थी कि गायब पी चिदंबरम अब प्रकट हो चुके हैं। सीबीआई की टीम भी जोरबाग में उनके घर के लिए निकली। चिदंबरम के जोरबाग वाले घर पर सीबीआई की टीम पहुंच गई और यहां पर इस दो घंटे वाले नाटक का सबसे धमाकेदार सीन दिखता है, जब सीबीआई अधिकारियों के लिए गेट नहीं खोला गया और फिर सीबीआई टीम दीवार फांदकर घर के भीतर दाखिल हुई। रात 9:03 पर चिदंबरम के घर ईडी की टीम भी धमक जाती है, लेकिन इस बार थोड़ी गुजारिश के बाद ही गेट खोल दिया जाता है। सबको लगा कि बस थोड़ी देर का इंतजार और क्लाइमेक्स आने ही वाला है, चिदंबरम गिरफ्तार होने ही वाले हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी, क्योंकि करीब एक घंटे तक सीबीआई के 20 से ज्यादा अधिकारी, ईडी के अधिकारी सब के सब चिदंबरम के घर के भीतर ही रहे। इस बीच सीबीआई की एक गाड़ी अंदर जाती है। ये पक्का हो गया कि उसी गाड़ी में चिदंबरम को बिठाकर सीबीआई मुख्यालय ले जाया जाएगा, लेकिन गाड़ी अंदर गई और बाहर हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस के कुछ समर्थक नारेबाजी करने लगे, पुलिस से भिड़ने लगे। इस बीच घर के भीतर हिरासत में लिए जाने की कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो रही थी और आखिरकार कुल एक घंटे के इंतजार के बाद कहानी का क्लाइमेक्स आया। रात 9:48 पर सीबीआई की गाड़ी घर के भीतर से निकलती है और देश के पूर्व वित्त मंत्री, गृह मंत्री रह चुका शख्स सीबीआई अधिकारियों के बीच बैठा दिखता है। पता चलता है कि पी चिदंबरम हिरासत के लिए जा चुके हैं, बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, वक्त वक्त की बात होती है। एक वक्त था जब चिदंबरम गृह मंत्री थे और इसी हैसियत से वो 30 अप्रैल 2011 को उसी सीबीआई दफ्तर पहुंचे थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ उसके उद्घाटन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनके, और आज चिदंबरम उसी दफ्तर के सेल नंबर 3 में, लॉकअप नंबर 3 में है और उनको वहीं पर रात गुजारनी पड़ी है, वहीं पर उनसे पूछताछ की गई है। एक वक्त वो था 2011 का, 30 अप्रैल 2011, और एक देखिए 31 अगस्त 2019, वहां मुख्य अतिथि बनकर गए थे उद्घाटन में और यहां पर सेल नंबर 3 में रात गुजारनी पड़ी है। देर रात तक पूछताछ की गई है और अब फिर उनसे पूछताछ शुरू की जाएगी किसी भी वक्त, और सीधा सीबीआई दफ्तर का रुख करेंगे। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता, उनके साथ ओम प्रकाश तिवारी भी मौजूद है। अंकित, हम चाहेंगे ओम प्रकाश तिवारी से आप ये जरूर पूछें कि आगे अब क्या पूछताछ कब शुरू होने वाली है और खास करके जो पूछताछ हुई है उसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई, क्या प्रमुख सवाल थे, कौन से ऐसे अहम मुद्दे थे जो सबसे पहले सीबीआई ने उनसे पूछताछ की है। मौजूद है, देर रात तक यहां पर मौजूद थे जिस दौरान चिदंबरम से पूछताछ की जा रही थी, एक एक जानकारी ओम प्रकाश तिवारी के जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंच रही थी और अभी मौजूद है। ओपी, आपसे जानना चाहूंगा कि रात में चिदंबरम को यहां लाया गया, देर रात तक अधिकारी उनके साथ बैठे रहे, क्या कुछ अहम जानकारी निकली है और किस तरह से आज की गतिविधियां आगे बढ़ेंगी? अंकित, एक तो मैं आपको बता दूं कि अभी चिदंबरम के सिर से वो खुमार नहीं उतरा है कि वो पूर्व मंत्री हैं। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि अभी भी वो अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सीबीआई जो सवाल कर रही है उसके सवाल के जवाब में वो जवाब देने की जगह सवाल दाग रहे हैं। तो सीबीआई सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि पी चिदंबरम अभी भी सवालों के उस तरह से जवाब नहीं दे रहे हैं जिस तरह से उन्हें कस्टडी में आने के बाद देने चाहिए, लिहाजा उन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। सीबीआई उनको कोर्ट में पेश करेगी, राहुल जेवनी कोर्ट में, और 14 दिन के रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगाएगी। तो ये कह सकते हैं कि इसी आधार पर जब अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में चिदंबरम की तरफ से, सीबीआई का यही कहना था कि वो जांच में सहयोग ही नहीं कर रहे, तो रवैया अभी भी वही बना हुआ है भले ही वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। देखिए, चिदंबरम को अभी भी लगता है कहीं ना कहीं कि वो पूर्व मंत्री रहे हैं, इतने बड़े लॉयर हैं, कानून के ज्ञाता हैं और उनको तमाम तरह के कानून पता हैं। यही कारण है सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आने के पहले तो उन्होंने जांच अधिकारी को ही कानून को लेकर एक लंबा लेक्चर दे दिया कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, लेकिन जवाब में जैसा कि सीबीआई सूत्रों ने बताया है कि जांच अधिकारी ने उन्हें बताया कि इस समय आप कस्टडी में हैं और आपके तमाम मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं जैसे आपको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि चिदंबरम के बावजूद भी उस तरह के जवाब नहीं दे रहे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हुई है कि सीबीआई कहीं ना कहीं चिदंबरम को लेकर थोड़ी सी तो इज्जत अभी भी दे रही है। यही कारण है कि चिदंबरम को कल सीबीआई की एसी हवालात में नहीं रखा गया।
सीबीआई सूत्रों का कहना है कि वो 10वें फ्लोर पर जांच अधिकारी के कमरे में रहे और उनसे एक बार हवाला चलने को कहा गया तो उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दिया और कहा कि उन्हें अकेले में और तन्हाई में डर लगता है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कल पी चिदम्बरम सीबीआई की एसी हवालात में नहीं रहे बल्कि जांच अधिकारी के कमरे में रहे और आज सुबह उन्होंने कहा कि उनको सुबह बेड टी लेने की आदत है, लिहाजा उन्हें बेड टी का भी इंतजाम करवाया जाए। तो पी चिदम्बरम कल रात को हवालात में नहीं रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी भी उनके सिर से वो खुमार नहीं उतरा है कि वो मिनिस्टर नहीं है, उनको अभी भी लगता है कानून के बड़े ज्ञाता हैं और सीबीआई को कहीं ना कहीं अपने जाल में फंसा लेंगे। यही कारण है कि वो सीबीआई के सवालों का जवाब उस तरीके से नहीं दे रहे हैं जिस तरह के सीबीआई चाहती है। तो इसका मतलब तो ये है कि आज जब रिमांड लेने के लिए सीबीआई पी चिदम्बरम को कोर्ट में पेश करेगी तो ये एक मुख्य आधार रहेगा कि कस्टडी में आने के बावजूद अभी तक जांच में सहयोग नहीं कर रहे, इस वजह से रिमांड इनकी 14 दिन की रिमांड चाहिए। बिल्कुल, सीबीआई सूत्रों ने बताया कि जो पी चिदम्बरम का पिछला व्यवहार है और खासकर जो आखिरी 24 घंटों के दौरान हाईकोर्ट ने जब उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी अंकित, उसके बाद से जो उनका एक क्रिमिनल की तरह बिहेव रहा है, जस्ट लाइक ए क्रिमिनल, गाड़ी से उतर जाना, मोबाइल फोन ऑफ कर देना, ड्राइवर को भेज देना और उसके बाद अचानक गायब हो जाना, जैसे दिल्ली में थे ही नहीं, ये तमाम हालात बताए जाएंगे। ये भी बताया जाएगा कि इनको कस्टडी में ले लिया गया उसके बावजूद ये अभी सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं पूरी तरह से, लिहाजा इनका रिमांड पर आना बेहद आवश्यक है, इसलिए इनकी 14 दिन की रिमांड। कल शाम को भी आप उस दौरान वहां थे जब पी चिदम्बरम को गिरफ्तार करने सीबीआई की टीम पहुंची थी लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया, अधिकारियों को फांद के अंदर जाना पड़ा, तो उनका ये कंडक्ट भी उनके खिलाफ जाएगा जब जो सीबीआई रिमांड पेपर लेकर के जाएगी कोर्ट में? तो देखिए, 24 घंटों के दौरान चिदम्बरम का एक एक कंडक्ट उनके खिलाफ जाता है, क्योंकि आप देखिए अंकित, जब भी कोई वकील किसी के पास वकील के पास कोई अपराधी जाता है तो वकील उससे कहता है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आइए मैं सब देख लूंगा, लेकिन जब वही वकील खुद कटघरे में खड़ा होता है तो उसको एहसास होता है जेल क्या है, हवालात क्या है। चिदम्बरम को भी ये लगता था कि बड़े आराम से सुप्रीम कोर्ट से संभवतः उनको रिलीफ मिल जाएगा और वो फ्री हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही कल सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दी तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं बदनामी हो रही है, उन्हें पेश हो ही जाना चाहिए, लेकिन उसके पहले के जितने भी उनके कंडक्ट हैं वो मिसकंडक्ट माने जाएंगे, एक अपराधी के तौर पर किए कार्य माने जाएंगे और कोर्ट भी कहीं ना कहीं से सेटिस्फाइड होगा कि जिस तरह का व्यवहार पी चिदम्बरम कर रहे थे एक बड़े नेता के तौर पर, पूर्व गृह मंत्री के तौर पर, उन्हें संभवतः ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। इसके साथ में सवाल ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज जब पी चिदम्बरम को कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड पेपर लेकर के सीबीआई जाएगी, लेकिन पी चिदम्बरम के बचाव में कई बड़े वकील, कई नामी वकील खड़े होंगे, कपिल सिब्बल वहां होंगे, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, इसके अलावा विवेक तन्खा और एक वकीलों की लंबी फौज, लिहाजा सीबीआई की कोशिश जरूर होगी कि जो भी तथ्य लेकर के जाए कोर्ट को कन्विंस कर सकें कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड मिल सके। मैं आपको बता दूं अंकित कि डायरेक्टर सीबीआई आर के शुक्ला कल खुद रात को 12:30 बजे तक सीबीआई मुख्यालय में मौजूद थे और जहां इसी स्ट्रेटजी पर चर्चा की गई कि आगे की पूछताछ कैसे होनी है और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि रिमांड पेपर किस तरह से पुट ऑन किए जाने हैं। तो थोड़ी देर में ही डायरेक्टर सीबीआई अभी हेडक्वार्टर पहुंच रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि सीबीआई की ये प्लानिंग है कि जो उनके रूटीन वकील हैं उसके अलावा स्पेशल पीपी और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कोई एक सीनियर एएसजी टाइप का वकील भी जो है, एएसजी स्तर के वकील जो हैं, वो राउज एवेन्यू कोर्ट में आ सकते हैं। इसके अलावा सीबीआई की पूरी कोशिश है कि ऐसे सीनियर वकीलों को मैदान में उतारा जाए जो पी चिदम्बरम की बैटरी ऑफ चेन है एडवोकेट्स की, उनके सवालों का जवाब दे सके। इसके साथ में क्योंकि ये मामला एक राजनीतिक मामला भी है, हमने देखा है कि कांग्रेस किस तरह से खुल के बचाव में आई है, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर कांग्रेस के मंच पे जाकर के पी चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो ऐसे में क्या कहेंगे कि कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है कि फंसाने की कोशिश हो रही है, सीबीआई अपनी तरफ से ये साबित करेगी कि इस मामले में उनके खिलाफ सबूत, गवाह सब कुछ है? देखिए अंकित, दिल्ली हाई कोर्ट ने जब उनकी जमानत याचिका खारिज की तो उस ऑर्डर में बड़े सिलसिलेवार तरीके से लिखा हुआ है कि पी चिदम्बरम का कंडक्ट क्या है, पी चिदम्बरम का रोल क्या है, और उन्होंने खुद माना है कि पी चिदम्बरम इस मामले के मेन कॉन्सिपिरेटर के तौर पर हाई कोर्ट ने उसमें टिप्पणी की है, यानी कहीं ना कहीं ऐसे दस्तावेज, ऐसे सबूत तो सीबीआई के पास हैं जो ये साबित करते हैं कि पी चिदम्बरम का इस मामले से पूरी तरह से लेना देना है और यही आधार आज उनकी रिमांड का भी आधार बनेगा। अगर हम बात करते हैं पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम को भी गिरफ्तार किया गया था लेकिन उनको कुछ दिनों बाद जमानत मिली थी, क्या कहेंगे पी चिदम्बरम का केस और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इस सबके बीच में पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी का बयान दर्ज हो चुका है और वो एक ठीक है अंकित, आगे भी हम आपके पास आएंगे और तमाम जानकारी के लिए। तो अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे चिदम्बरम, ऐसे में सीबीआई इसी को आधार बनाकर उनकी 14 दिन की रिमांड मांगने वाली है। इतने बड़े नेता चिदम्बरम को आखिर क्यों 24 घंटे से ज्यादा वक्त एक फरार शख्स की तरह काटना पड़ा, जरा इसकी वजह जान लीजिए। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम पर जेल जाने का खतरा उसी वक्त मंडराने लगा जब मंगलवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम की ओर से दायर अग्रिम जमानत की याचिका को
दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। यही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जो कहा उसने चिदंबरम की मुश्किल और बढ़ा दी। हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर तो ऐसा लगता है कि पी चिदंबरम पूरे मामले में षड्यंत्रकारी हैं। सही जांच के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है, जमानत देने से गलत संदेश जाएगा। साथ ही चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करने के हाईकोर्ट के इस फैसले का मतलब साफ था कि जांच एजेंसी जब चाहे पी चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन पेशे से वकील चिदंबरम भी गिरफ्तारी को टालने के लिए हर कानूनी तिकड़म लगा रहे थे। हाईकोर्ट के फैसले के फौरन बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए ताकि गिरफ्तारी से राहत मिल जाए, लेकिन चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कोई सुनवाई नहीं हुई। चिदंबरम और उनके बड़े से बड़े वकीलों को लगा कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार किया जाए, और शायद इसी सोच के साथ चिदंबरम ने 27 घंटे तक अंडरग्राउंड रहने का फैसला कर लिया। चिदंबरम की टीम जब बुधवार सुबह कोर्ट पहुंची, तब जस्टिस रमन्ना ने फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश के पास जाने को कहा गया, वहां भी बात नहीं बनी। पूरे दिन चिदंबरम के वकील सुप्रीम कोर्ट के भीतर चक्कर काटते रहे, लेकिन जज साहब ने याचिका की लिस्टिंग में नहीं होने की बात कह दी। इस बीच बुधवार दिन भर मीडिया में सिर्फ चिदंबरम ही छाए रहे, जिसके दबाव में 27 घंटे बाद उन्हें सामने आना ही पड़ा। तो कुछ इस तरह चिदंबरम हुए गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद भी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कहा यह जा रहा है कि कोई खास बहुत कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं सीबीआई से चिदंबरम, और सवालों के जवाब जिस तरह से देने चाहिए उस तरह से नहीं दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपके लिए समझना बहुत जरूरी है आसान भाषा में कि आईएनएक्स मीडिया मामला दरअसल है क्या। ये 305 करोड़ के घोटाले का मामला है जिसका आरोप लगा है चिदंबरम पर विदेशी निवेश के लिए गलत तरीके से मंजूरी दिलाने और बदले में 4 करोड़ की रिश्वत लेने का उन पर व्यक्तिगत तौर पर आरोप है। 2007 में यूपीए 1 की मनमोहन सरकार में पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे और ये मामला उसी वक्त का है। 2007 में आईएनएक्स मीडिया में विदेशी निवेश को मंजूरी मिली। आईएनएक्स को एफआईपीबी से करीब 4 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी, लेकिन कंपनी में 305 करोड़ का विदेशी निवेश आया। चिदंबरम पर गैर कानूनी तरीके से एफआईपीबी से मंजूरी दिलाने का आरोप है। चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के 4 करोड़ की रिश्वत लेने के सबूत है। चिदंबरम और उनके बेटे पर कुल 65 करोड़ की रिश्वत का आरोप है। 2007 में आयकर विभाग ने इस मामले की जांच करने को कहा, लेकिन ये आरोप है कि इस मामले की जांच नहीं कराई गई और पी चिदंबरम ने तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर उसी मामले में एक दूसरा एफआईपीबी अप्रूवल दे दिया और जिसके चलते आईएनएक्स मीडिया को सीधे तौर पर फायदा पहुंचा। यह भी आरोप है कि इसके बदले पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की कंपनियों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचा। 2017 में सीबीआई ने इस मामले में एफआईपीबी से मिली मंजूरी में गड़बड़ी पर एफआईआर दर्ज की, जबकि जांच एजेंसी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया हुआ है। लेकिन चिदंबरम जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तमाम आरोपों को सिरे से नकार दिया। इन द आईएनएक्स मीडिया केस आई हैव नॉट बीन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस नॉर हैज एनीवन एल्स इंक्लूडिंग एनी मेंबर ऑफ माय फैमिली बीन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। इन फैक्ट देयर इज नो चार्ज शीट फाइल्ड बाय आइदर द सीबीआई और द ईडी before a competent court. Moreover, the FIR recorded by the CBI does not impute to me any wrongdoing. Yet there is a widespread impression that grave offences have been committed and my son and I have committed those offences. Nothing can be further from the truth. These are lies spread by pathological liars. पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी इस पूरे मामले में खुद के ऊपर लगे आरोपों को राजनीति और बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। इज अ टोटली अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड विच हंट। दिस होल थिंग इज बीन डन ओनली फॉर थिएट्रिक्स एंड फॉर वॉयरिज्म फॉर द प्लेजर ऑफ अ फ्यू एंड टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द सीरियस इश्यूज।
बड़ा सवाल यह है कि क्या सवालों के जवाब देंगे चिदंबरम, क्योंकि लगातार उनसे सवाल सीबीआई करती आ रही है, लेकिन कभी वो तबियत का हवाला देके कहीं जाने से इनकार कर रहे हैं, कभी वो एक वकील की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ओपी तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही ये जान लेते हैं। अंकित हमारे साथ मौजूद है। अंकित, अगर आप ओपी से ये जान सकें कि जो आप दोबारा सवाल शुरू हुए हैं, क्या कुछ जानने की कोशिश की जाएगी और क्या आपको लगता है सहयोग करेंगे चिदंबरम? ओपी, जैसा आपने अभी एक अहम जानकारी दी है, दोबारा से पूछताछ शुरू हो गई है। रात में तो सवालों को टालते रहे, अब सीबीआई उम्मीद कर रही है कि वो सुबह कुछ बदलेंगे, नरम होंगे। देखिए, जो पूछताछ का दूसरा चरण है वो 8 से 8:30 के बीच में शुरू होना था, संभवतः सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पूछताछ का दूसरा चरण शुरू हो गया है। अब इस दौरान जो सवाल रखे जा रहे हैं वो उसका कितना जवाब देते हैं ये तो अभी 10वें फ्लोर पर ही चल रहा होगा, क्योंकि लेकिन चिदंबरम ने जो पिछली रात को जिस तरह से सवालों के जवाब देने की या आप कहिए ना देने की कोशिश की है, या उनको जो है अपनी तरह से सवालों को इंटरप्रेट करने की कोशिश की है, उसको देख के ऐसा लगता नहीं है कि पी चिदंबरम फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करने वाले हैं। और एक बात ये मान के चलिए अंकित, आप तो कोर्ट के पुराने जानकार रहे हैं कि पी चिदंबरम जितना सीबीआई को कोऑपरेट नहीं करेंगे ये उतना ही उनके खिलाफ जाएगा, क्योंकि जब कोर्ट में सीबीआई कहेगी अभी भी कोऑपरेट नहीं कर रहे तो ऐसे में उनका कस्टडियल इंटरोगेशन के लिए उनको रिमांड मिलनी बिल्कुल तय हो जाएगी। तो सीबीआई का एक मुख्य आधार भी होगा जब रिमांड एप्लीकेशन होगी, क्योंकि अगर सीबीआई ने कई बार सवाल पूछे और आरोपी जवाब नहीं देता है तो सीबीआई तो यही कहती है कि ये क्योंकि जवाब नहीं दे रहे इस वजह से पूछताछ करना और ज्यादा जरूरी। बिल्कुल अंकित, मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी चिदंबरम पिछले साल पेश हुए थे सीबीआई के सामने सवालों के जवाब के लिए, और उनसे जो सवाल पूछे गए थे उसके जवाब एक तरह से आप मान के चलिए कि ना के तौर पर थे। जैसे उनसे कुछ पूछा गया तो सवाल कुछ होता था, जवाब कुछ उन्होंने दिया, दस्तावेज कुछ कहता था, वो बोलते कुछ और थे। यही कारण है कि सीबीआई चाहती थी कि उनका कस्टोडियल इंटरोगेशन हो।